नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। विजय माल्या के निजी विमान की नीलामी टली। सेवा कर विभाग ने संकट में चल रहे शराब व्यापारी विजय माल्या के निजी विमान की नीलामी 29-30 जून तक टाल दी है। सेवा कर विभाग 535 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली के लिए माल्या के निजी विमान की नीलामी करना चाहता है। पहले नीलामी 12-13 मई को होनी थी। सेवा कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 10 मई तक हमें विमान की बोली में भाग लेने के लिए नीदरलैंड सरकार से केवल एक ही पंजीकरण आग्रह मिला। हालांकि नियमों के तहत नीदरलैंड सरकार ने भी 1 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा नहीं कराई। हाजी अली दरगाह में तृप्ति देसाई ने की जियारत। महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने जियारत करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई की हाजी अली दरगाह में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष लैंगिक समानता को लेकर है। दरगाह से बाहर आने के बाद भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति ने कहा कि दरगाह पर मैंने प्रार्थना की कि महिलाओं को दरगाह के आंतरिक पवित्र कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाए, जैसा कि वर्ष 2011 तक होता था। उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस ने हमारे साथ सहयोग किया, अगली बार हम आंतरिक पवित्र कक्ष में प्रवेश की कोशिश करेंगे। तृप्ति और अन्य महिला कार्यकर्ताओं को पिछले माह दरगाह में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। दिवाला संहिता जीएसटी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। वित्त मंत्रालय ने दिवाला संहिता को प्रस्तावित जीएसटी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार देते हुए कहा कि ये नौकरियों, ऋण की उपलब्धता को प्रोत्साहित करेगी और कंपनियों के वित्तीय संकट का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगी। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को राज्यसभा में बुधवार को पारित किया गया। लोकसभा ने इसे पिछले सप्ताह पारित किया था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ कारोबारी उपक्रम असफल होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति से तेजी से निपटा जाएगा। उद्यमी एवं ऋणदाता अतीत में लिए गए निर्णयों के दलदल में फंसने के बजाय आगे बढ़ेंगे।